दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाली कई अभिनेत्रियां अपने आप को एक महंगी एक्ट्रेस साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और ढेर सारी पॉपुलैरिटी भी हासिल करती हैं। तब जाकर ये कहीं एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन पाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्हीं अभिनेत्रियों में से कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने एक दो सीरियल में अभिनय करने के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अब नए शो के साथ दर्शकों की हाई डिमांड से दोबारा उतर रही हैं, वो भी पर्दे पर। जी हां, कई सालों तक टीवी इंडस्ट्री से दूर रहने वाली अभिनेत्रियों की वापसी हो रही है। तो आखिरकार कौन है वो अभिनेत्रियां जो हाई डिमांड से टीवी इंडस्ट्री में उतरी हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे। नंबर एक, तान्या शर्मा। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री तान्या शर्मा का नाम शुमार है, जो साथ निभाना साथिया सीरियल के बाद टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गई और दर्शकों की डिमांड पर ये ससुराल सिमर का सीजन 2 में रीमा का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है और ये पर डे का 80,000 रूपए चार्ज करती है। नंबर दो, जिज्ञासा सिंह। थपकी प्यार की में थपकी का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी है अभिनेत्री जिज्ञासा सिंह। इसके बाद नजर सीरियल में नजर आई थी और इसके बाद ये कुछ सालों के लिए टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गई, पर दर्शकों की हाई डिमांड पर इस शक्ति अस्तित्व के एहसास की और थपकी प्यार की नई कहानी में अभिनय करती हुई नजर आ रही है और ये पर डे एपिसोड का 70,000 रूपए चार्ज करती है। नंबर तीन, जिया मानिक। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री जिया मानिक आज बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुकी है, जिसके बाद इन्होंने मन मोहिनी, बड़ी दूर से आए हो जैसी कई सुपरहिट सीरियल में शानदार अभिनय प्रदर्शन किया और इसके बाद ये टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गई और तब दर्शकों की डिमांड पर ये तेरा मेरा साथ रहे सीरियल में नजर आ रही है और ये पर डे 70,000 रूपए चार्ज कर रही है। नंबर पांच, निधि शाह। कई सीरियल में शानदार अभिनय प्रदर्शन करके मशहूर हो चुकी अभिनेत्री निधि शाह भी टीवी इंडस्ट्री के कुछ सालों के लिए दूर हो गई थी। इसके बाद दर्शक इनकी वापसी के लिए हाई डिमांड करने लगे और इन्हें अनुपमा सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें काम करने के लिए 60,000 रूपए चार्ज कर रही है। नंबर पांच, राधिका मुत्तुकुमार। इस लिस्ट की पांचवी कड़ी में अभिनेत्री राधिका मुत्तुकुमार का नाम शुमार है, जो क्या हाल मिस्टर पांचाल सीरियल में अभिनय करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद इन्होंने ढेर सारी पॉपुलैरिटी हासिल की थी पर किसी कारणवश टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गई, पर दर्शक इनके किरदार को भुला नहीं पाए और इनकी वापसी की डिमांड करने लगे। पर ये अपने दर्शकों को खुश देखने के लिए ससुराल सिमर का सीजन 2 में सिमर का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है और ये पर डे 70,000 रूपए चार्ज करती है। नंबर छह, सुरभि दास। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री सुरभि दास का नाम शुमार है। इनकी खूबसूरती और अदाएं आज भी लाखों करोड़ों को पागल करती है और इसी वजह से हिंदी इंडस्ट्री के निर्माताओं ने इन्हें अपने सीरियल में नीमा में अभिनय करने का चांस दिया और ये अपनी इसी पॉपुलैरिटी को देखकर पर डे 70,000 रूपए से ज्यादा चार्ज करती है। अब आप इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।